तो बात चल रही थी कंपनी की डेफिनेशंस की जिसमें हम जस्टिस लैंडले की भी बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी आ, मतलब कंपनी में पैसे इनको इन्वेस्ट कर देना एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का या फिर आ, पैसों के बराबर की कीमत के कॉमन स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट कर देना लेकिन चीफ जस्टिस जॉन मार्शल कहते हैं कि इंडिविजुअल भी अगर इंडिविजुअल या कोई भी आ, बंदे मिल अगर इन्वेस्ट करते हैं और अगर उनको सक्सेस हो जाते हैं वो तो वो कंसिडर किए जाएंगे कि भाई वो न, सारी ज़िंदगी के लिए जाहिर है अब एक बंदा उसने काम किया लेकिन कुछ अर्सा किया है लेकिन उसने स्टार्ट लिया था आगे तो वो उस बिज़नेस को सक्सेस कर गया लेकिन उसने स्टार्ट में किया था तो वो इंडिविजुअल की कामयाबी काउंट की जाएगी क्योंकि उसने तो स्टार्ट किया था उसी ने तो सक्सेस किया लेकिन वो खुद छोड़ गए लेकिन चीफ जस्टिस जॉन मार्शल यही कहते हैं कि कारपोरेशन में जो बंदा सक्सेस हासिल करेगा उसको भी हम सक्सेस uh, उसी की कहेंगे उसके बाद वो कहते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि ये जो डेफिनेशन हैं इनमें से ये करेक्टरस्टिक्स बने हैं अगर हम इनकी बात करें तो इसमें सबसे पहले है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अ कंपनी कम्स इन टू बींग ओनली आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड अंडर रेलिवेंट कंपनीज ला कंपनी उसी वक्त तो रजिस्टर्ड होगी जब हम इसको या तो कंपनी एक्ट 2017 में करेंगे या फिर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में रजिस्टर्ड करवाएंगे कंपनी तब ही रजिस्टर्ड होगी उसके बाद है आर्टिफिशियल लीगल एक्जिस्टेंस अगर हम कानून की आंखों से देखें अ कंपनी इज़ एन इन इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन आल तो नॉट नेचुरल वन इट कैन एक्वायर एसेट्स। कंपनी जो है वो एक आम सा आप इसको बंदा कंसिडर करें और इसको uh, ज़्यादा ये एसेट्स uh, भी लेते हैं ये कर्जे भी लेती है लाइबिलिटीज़ भी लेती है और uh, केले अपने ऑन पे करती है कंपनी ना ही इसका कोई पॉलिटिकल लिंक होता है ना ही कोई सिविल लिंक होता है ये नेचुरल पर्सन होती है परपिचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं कंपनी हैज़ अनलिमिटेड लाइफ कंपनी की अनलिमिटेड लाइफ होती है इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर्स आगे भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं उनकी लिमिटेड हो सकती है लेकिन कंपनी की परपिचुअल एग्जिस्टेंस होती है कॉमन सील कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल इंटिटी है कंपनी तो अपने बिहाफ पे किसी का साइन नहीं कर सकती ना कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन साइन करनी है तो कंपनी तो जाहिर साइन नहीं कर सकती तो इसके जो डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी के बिहाफ पे साइंस वगैरह करते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम आनरशिप दिस रिस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्राम ऑनरशिप इज़ अनिक फॉर कंपनीज़ द शेयर होल्डर्स हैव नो राइट्स शेयर होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं होता कि वो कोई रूटीन के काम कर सकें इसलिए उन्होंने डायरेक्टर्स रखे होते हैं डायरेक्टर्स फिर रोज के काम देखते हैं कंपनी के और फिर वो शेयर होल्डर्स को बताते रहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एटीन फिफ्टी फाइव में एक एक्ट पास हुआ था कि कंपनी uh, की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होंगी एक्सटेंसिव मेंबरशिप कहते हैं कि कंपनी लॉ डज़ नॉट रिस्ट्रिक्ट ऑन द नंबर ऑफ़ शेयर्स और शेयर होल्डर्स कंपनी का जो लॉ है वो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि या तो इस कंपनी के शेयर्स इतने होंगे या इसके शेयर होल्डर्स इतने होंगे जितने मर्जी शेयर होल्डर्स हों जितने मर्जी उसके शेयर्स हों इसमें कंपनी लॉ को कोई भी मसला नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर आप किसी भी वक्त कंपनी का शेयर आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसमें भी कोई रोक टोक नहीं है कोई कंपनी ला इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता जब चाहें जिस वक्त चाहें जिस मर्ज़ी को चाहें आप कंपनी का शेयर दे सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज की कि कंपनीज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनका क्या क्या काम है टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कहें या कॉरपोरेशन कहें या कंपनी कहें एक ही बात है इसमें आ जाती है हमारे पास चार्टेड कंपनी सेचुरेटरी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी चार्टेड कंपनी जो कोई रॉयल चार्टर बना दे या कोई बादशाह बना दे कि uh, ये जी ये कंपनी बनेगी उसके बाद सैचुरेटरी कंपनी ये पार्लियामेंट में एक इजलास बैठता है वो फैसला कर ले जी एक कंपनी बनेगी रजिस्टर्ड कंपनी जो हमारे यहाँ चलती हैं कि रजिस्टर्ड एस सी पी से रजिस्टर्ड होकर जो कंपनी चलें गवर्नमेंट कंपनी के गवर्नमेंट ने कंपनी बना दी वो गवर्नमेंट की है उसके 51 परसेंट शेयर्स uh, 51 या 100 परसेंट शेयर्स गवर्नमेंट uh, के हैं नॉन गवर्नमेंट जिसका गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं है जिसका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है वो लोगों के लिए काम करे जिसमें एन जी ओज हैं जिसमें हमारे पास लेटेस्ट uh, अगर एग्जांपल देख ले तो हमारे पास अलखुबैब फाउंडेशन है वो किसी के लिए काम नहीं कर रही वो लोगों के लिए काम कर रही वो अपने